लोकसभा के चुनावी घमासान में शनिवार को देश के दिल में ऐसा सियासी दंगल हुआ जिससे दिल्ली का सियासी पारा ही हाई हो गया। जहां एक ओर दिल्ली में पीएम मोदी ने अपनी पहली रैली की, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी चांदनी चौक से दिल्ली के संग्राम की हुंकार भरी। सुपर सैटरडे में कांग्रेस के उम्मीदवार जेपी अग्रवाल के लिए राहुल गांधी ने चांदनी चौक में चुनावी सभा को संबोधित किया और पीएम मोदी को डिबेट के लिए भी ललकारा और कहा, मैं डिबेट के लिए तैयार हूं लेकिन मोदी नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी जी, लोकतंत्र में डिबेट होना चाहिए, डिबेट जरूरी है। आपको राहुल गांधी के साथ डिबेट करना चाहिए। जो आपके विचार हैं आप रखिए और जो राहुल गांधी के विचार हैं वो भी रखिएगा। सही बात है ना? मैं तैयार हूं कहीं भी किसी टाइम भी नरेंद्र मोदी डिबेट करें मेरे साथ। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी डिबेट करने आएंगे? नहीं आ सकते हैं। सवालों के बौछार के बीच राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी बताया कि अगर वो डिबेट करने आते तो उनसे वो क्या सवाल पूछते, जिसमें उन्होंने अडानी अंबानी वाला तंज भी कसा, साथ कर्ज माफी रोजगार समेत कई मुद्दों पर भी घेरा। सुनिए राहुल ने क्या कहा। पहला सवाल मैं उनसे पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी आप मुझे बताइए, ये अडानी जी जो है इनका आपके साथ क्या रिश्ता है? हिंदुस्तान में आपने इनको एयरपोर्ट दिए, पोर्ट्स दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, डिफेंस इंडस्ट्री आपने इनको दे दी, अग्निवीर आपने इनके लिए किया, जवानों से शहीदों का हक छीना। तो सबसे पहले मुझे बताइए ये अदानी और आपका रिश्ता क्या है? पहली बार वहीं फंस जाएंगे। उसके बाद मैं इनसे पूछूंगा, भैया आपने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का धंधा जो चलाया है, हफ्तेबाजी जो की है, जिसमें आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो और कुछ ही दिन बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको बीजेपी को पैसा देता है, या फिर सीबीआई ईडी आप उस पर डाल देते हो और फिर उसके बाद वो आपको पैसे देते हैं और फिर सीबीआई का केस ईडी का केस खत्म हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स मुझे समझा दो। इसी में नरेंद्र मोदी फंस जाएंगे, डिबेट वहीं खत्म हो जाएगी। तो सुना आपने कैसे राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ पीएम मोदी पर सवालों की बौछार की। बता दें कि आज शनिवार को पीएम मोदी ने भी दिल्ली के इलाकों में रैली की और कांग्रेस पर हमला बोला। दिल्ली के सभी 7 सीटों पर 25 मई को मतदान होने वाले हैं। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में सियासी दंगल परवान चढ़ता हुआ दिखाई देगा और जोरदार वार पलटवार देखने को भी मिलेगा। आपको क्या लगता है किसकी हुंकार किसकी ललकार दिल्ली के लोगों के दिल तक पहुंचेगी? ये हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।